सो हेलो जी, फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं बागा बीच। अभी नीचे होटल देख सकते हैं, गोवा का कितना सेक्सी लग रहा है यार। गोवा की रोड गाइस, मैं कैसा दिख रहा हूँ इस चश्मे में, जरा कमेंट करके बताइएगा। अभी आई लव गोवा। सो गाइस, कुछ ऐसा है ये बीच के। सो गुड मॉर्निंग गाइस, फिर एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है। आज है वेडनेसडे 13 मार्च। सो अभी हम गोवा में हैं और सुबह के बज रहे हैं 10:30। बाकी अपनी व्लॉग अपलोड हो रहा है और साथ में मॉर्निंग चाय और साथ में अभी हम लोग ने ब्रेकफास्ट मंगाया है, फ्रूट्स मंगाया है, इडली मंगाई है। बाकी अभी चाय वाय पी ले, ब्लॉग एडिट कर दिया अपलोड करके, देन उसके बाद तैयार होके आपसे मिलते हैं। सो हेलो जी, फाइनली हम लोग रेडी हो चुके हैं, ब्रेकफास्ट हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं बागा बीच। अभी नीचे होटल के जाएंगे, वहाँ पे स्कूटी रेंट पे लेंगे, रेंट पे लेके स्कूटी लेके जाएंगे बागा बीच, क्योंकि यहाँ से 2.5 या 3 किलोमीटर की रेंज में है तो भाई वॉक करके तो जा नहीं पाएंगे। हल्की हल्की गर्म हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है। चलिए, बाकी आपको बताया था बालकनी का व्यू, रात में आपको दिखाया था लेकिन रात में कुछ दिख नहीं रहा था। अभी दिन में आपको दिखाते हैं बालकनी का व्यू, बताइए कैसा लग रहा है। चलिए, सो गाइज ये चेक करिए क्या व्यू लग रहा है। और ये बाकी मेन रोड है, नीचे सब उधर मार्केट्स हैं। ये चेक करिए गाइज कितना प्यारा लग रहा है। चलिए चलते हैं नीचे, स्कूटी लेते हैं, मिलते हैं आपसे नीचे। चलिए, सो गाइज अभी हम स्कूटी लेने आ चुके हैं, जो कि ये मैंने अभी ली है एक दिन की। इसका कॉस्ट पड़ा है 300 रुपये, भैया से ली है। तो इसमें फ्यूल है, डलवाना पड़ेगा। अच्छा, थोड़ा डलवा देंगे। तो गाइस अभी अपनी राइड ये है, अभी इसी से पूरा गोवा घूमेंगे। बाकी अभी जा रहे हैं बागा बीच, मिलते हैं आपसे बागा बीच में। चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्कूटी। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं बागा बीच के लिए एक्टिवा लेके। बाकी आप सामने का व्यू देख सकते हैं गोवा का कितना सेक्सी लग रहा है। बीच फाइनली हम लोग बागा बीच आ चुके हैं। अभी स्कूटी पार्क कर दी थी, चलिए चलते हैं। और सो गाइस आप चेक कर सकते हो, हम फाइनली बागा बीच आ चुके हैं। क्या खतरनाक ही सीन हो रहा है यहाँ का, एकदम अलग ही लेवल देख सकते हो आप। सो गाइस आप चेक कर सकते हो, अभी हम लोग रेस्ट कर रहे हैं। बाकी ये जो हम लोग को मिली है, ये इसका कॉस्ट था 100 रुपीज़ का। बाकी हम लोग ने खाने का मंगाया ऑमलेट। ये रहा अपना ऑमलेट और ये अपनी एक रेड बुल मंगाई थी। और बाकी आप बीच का देख सकते हो, मतलब अलग ही वाइब आ रही है यहाँ पे बीच में। ये तो ये आपका बागा बीच है। सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं बोट राइड करने, अलग देखिए। चप्पल हाथ में क्या ऐसे पकड़े हैं, चलो आ जाओ, हाथ पकड़ो पहले, हाथ पकड़ो आगे, वो हैंडल पकड़ो दो। सो गाइस अभी हम लोग बोट राइडिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हो।
हम लोग ने बोटिंग वोटिंग कर ली, डेट इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस, बट लिटरली भाई फटके हाथ में आ गई थी क्योंकि बीच में बोट लाइक तिरछी हो गई थी, मुझे लगा मैं तो गया, लाइक मैं साइड में साइड वेव आ गई थी और मैं साइड में ही बैठा हुआ था, मैंने कहा मैं तो अब गया। आप देख सकते हो सामने का व्यू। चलिए अब चलते हैं अपने होटल। सो गाइस पैर की हालत आप देख सकते हो कितने गंदे हो गए सैंड में चलते चलते, बाकी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आई। सो गाइस अभी बीच बीच घूम लिया है, बागा बीच प्रॉपर घूम आए हैं, बाकी अपनी स्कूटी के पास आ गए हैं, जा रहे हैं बाकी होटल। सो गाइस अभी बीच बीच घूम के निकल चुके हैं, बाकी जा रहे हैं अपने होटल साइड। अभी होटल आ चुके हैं, बाकी बागा बीच अच्छे से एक्सप्लोर कर लिया है। जो हम लोग बोट पे बैठे थे, बोट पे जो पर पर्सन उन्होंने 500 रुपये चार्ज किया था, और हम लोग को उन्होंने दो बीचेस दिखाए थे। एक तो आइलैंड बीच था जहाँ पे कौन सी मूवी, कोई मूवी बता रहे थे जिसकी शूटिंग हुई थी। दूसरा अंजुना बीच था, जो आइलैंड बीच था वहाँ पे आप क्या बोलते हैं बोट से ही जा सकते हो, उसका कोई रास्ता नहीं है। बाकी अभी का तो सीन ये है कि आके थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट करने के बाद अभी फैट फिश होटल जो आपको बताया था वहाँ जाएंगे, मतलब फैट फिश रेस्टोरेंट, वहाँ का जो भी खाना फेमस है फैट फिश का तो वो खाएंगे, फिर आपसे यहाँ से निकल के डायरेक्ट वहीं मिलते हैं, ठीक है। तो गाइज हम लोग का जो फैट फिश जाने का प्लान था वो है अभी, बट अभी पहले कलंगुट बीच जाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे, देन उसके बाद जाएंगे हम लोग बीच। तो चलिए चलते हैं अपनी स्कूटी के पास, देन निकलते हैं कलंगुट बीच के लिए, मिलते हैं आपसे। अभी हम कलंगुट बीच पहुँच चुके हैं, बाकी आप व्यू देख सकते हो यहाँ का। आप चेक कर सकते हो क्या बोलते हैं, समुद्र के पास आ चुका हूँ, बाकी सब पीछे क्लब क्लब बने हुए हैं, बहुत ही प्यारा व्यू यहाँ का, सुकून मिलना, पीस मिल रहा है। तो गाइस अभी हम लोग कुछ खाने आ गए थे, तो यहाँ पे बीच के साइड है ना, ऐसे ही छोटे मोटे कैफे रेस्टोरेंट टाइप के थे, तो अभी अपन ने शेक ऑर्डर किया, हनी चिली पटेटो ऑर्डर किया, बाकी अब सामने का व्यू देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अभी हमने हनी चिली पटेटो मंगाया था, बाकी बनाना शेक मंगाया था, पीते हैं, बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं एकदम बीच के साइड, क्या शेक है और क्या ही, एकदम ठंडी हवा चल रही, एकदम पीसफुल जगह है भाई, बहुत बढ़िया जगह है। आई लव गोवा। सो गाइस कुछ ऐसा है ये बीच के साइड का रेस्टोरेंट का व्यू देख सकते हो आप, बाकी हम लोग ने खा पी लिया, अब यहाँ से निकल रहे हैं होटल की ओर। बाकी फैट फिश का तो आज कंफर्म था, लेकिन अभी इतना यहाँ पेट पूजा कर ली कि कुछ खाने पीने का मन नहीं कर रहा है, और काफ़ी ज़्यादा थक भी गए हैं, तो इस वजह से अब जा रहे हैं होटल। घूम ही चुके ऑलमोस्ट, बीच में होटल ही है, ऐसे छोटे से मोटे कैफेज हैं, क्लब हैं छोटे मोटे, बाकी ऐसा तो कुछ नहीं है, और पीसफुल जगह है, अच्छी जगह है, एकदम शांति वाली, आप देख सकते हो सब लाइक ये सामने भी सब कैफे होटल यही सब है यहाँ पे। फाइनली हम लोग होटल आ चुके थे, काफ़ी ज़्यादा थक गए थे तो थोड़ा सा रेस्ट कर लिए थे, बाकी अभी उठे तो फिर से भूख लग रही थी, क्रेविंग हो रही थी, तो इस अभी हम लोग ने मैकडी से बर्गर मंगाया, पेप्सी मंगाई, बाकी अपना ये व्लॉग देख रहे थे तो ये अपनी पेप्सी, ये बर्गर मंगाया है, फ्राइज मंगाई है, बाकी आप सामने का व्यू देख सकते हो। सो गाइस इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।